यहाँ पे क्लिक करिए और कंट्रोल ए करिए तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, इसको आप चाहो तो बॉर्डर भी कर लो जी। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा इच्छा नहीं है करने का, आप लोगों का मर्जी करे तो कर लीजिएगा सिलेक्ट। ठीक है, तो काफी फॉर्मूला हम लोग कल पढ़ चुके थे, लेकिन मैं सिस्टम फॉर्मेट कर दिया तो फॉर्मूला का लिस्ट गायब हो गया और रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया, पाउस किया तो पाउस रह गया, रिज्यूम नहीं कर पाया। चलिए, खैर कभी याद आएगा तो हम उस फॉर्मूला को दोबारा पढ़ लेंगे। ठीक है, तब तक हम कुछ और फॉर्मूला आगे का पढ़ते हैं दो चार। ठीक है, और उसके बाद फिर उस फॉर्मूला के बाद पढ़ लेंगे डेटा रिव्यू बाकी को। ठीक है, तो एक फंक्शन पढ़ते हैं कॉलम। ठीक है, इक्वल टू का साइन देता हूं मैं। ठीक है, लिखता हूं सी ओ एल यू एम एन कॉलम्स। ठीक है, ये बोल रहा है मुझे एरे दो, दे दिया एरे, एंटर मार दिया, बोल रहा है चार। ठीक, तो ये चार कॉलम है इसमें। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया मैं, इक्वल टू का साइन दिया, रोज फंक्शन लिखा। ठीक है, और कुछ इतना रो मैंने सेलेक्ट करके एंटर दबा दिया तो बोल रहा है छे ठो रो है। ठीक ठीक ना, ठीक है, चलिए मान लेते हैं हम लोग कि छे ठो रो है, छे ठो सच में है रो। ठीक है, तो रो काउंट करेगा और कॉलम। ठीक, चलिए, तो ये कौन सा फंक्शन था, रो था और कॉलम फंक्शन था। ठीक है, आगे एक और हम लोग देखते हैं। ठीक है, उस फंक्शन का नाम है वी लुकअप। ठीक, ये इसका नाम है वी लुकअप। ठीक, मैं लिख रहा हूँ तो मैं इसको बना लेता हूँ कुछ अदर कलर में, कर देता हूँ इसको मैं रेड, फॉन्ट को कर देता हूँ वाइट, अब ये मुझे बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, बॉर्डर कर दूँ क्या, चलिए जी बॉर्डर नहीं करूँगा, मज़ा नहीं आया मेरे को। चलिए ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे कंट्रोल दबा के प्लस 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 मार दिया दो चार बार, चला गया ये नीचे। मान लीजिए कि ये बहुत बिगेस्ट टेबल है। ठीक है, बहुत बड़ा टेबल है। ठीक, अब यहाँ पे मैं आता हूँ ऊपर, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे आके फिर नीचे कर लिया, ये जो है इसको मैं क्लियर करके ऑल क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ ना कि यहाँ पे लिखूं वन एंटर तो क्या हो, इधर जो है पूरा भरा जाए इसमें का नाम वाम आके पूरा। ठीक, मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ वन लिखूं तो यहाँ अमित आ जाए, डीसी आ जाए, पिन कोड आ जाए, यहाँ लिखूं टू तो सुमित का पूरा आ जाए, यहाँ लिखूं थ्री तो बाकी का बाकी आ जाए। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि हो। ठीक, कितना बढ़िया होता ना, ऐसा हो जाता तो होता ना। चलिए जी, करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ठीक ना, चलिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला में लगाता हूँ वी लुकअप। ठीक है, वी माने वर्टिकल लुकअप, इक्वल टू का साइन दिया, वी लुकअप टैब मारा, ये बोल रहा है लुकअप वैल्यू पहला मुझे बता दो, फिर बाकी काम मैं कर लूँ। ठीक है, तो बोलता हूँ कि जी सीरियल नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ से उठा लिया करना। तो ये बोल रहा है ठीक है उठा लिया करूँगा मैं, फिर टेबल भी तो बता दो। तो मैं बोलता हूँ कि ये लो जी टेबल भी दे दिया मैं। ठीक है, फिर कॉमा दबाया, फिर बोल रहा है कि कॉलम नंबर बताओ जी। ठीक है, अब कौन है ये, चुप कर, नहीं उठाऊंगा तेरा फोन। ठीक है, दे दिया, अब ये बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये बोल रहा है ये कि जी टेबल एरे तो आपने बता दिया, मैं जान भी गया, लेकिन अब ये मुझे बताओ कि जो टेबल मुझे दिए हो उस टेबल के कैवे कॉलम का डेटा आपको चाहिए। ठीक है, कैवे कॉलम से क्या मतलब, सीरियल नंबर का चाहिए या नेम चाहिए या क्लास चाहिए या पिन कोड चाहिए। ठीक, ये पूछ रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि जी सीरियल नंबर तो मैं यहाँ दे दूंगा, मुझे नाम वाला बता दो, यहाँ पे वन टाइप करूँ तो यहाँ पे नाम आ जाए तो कितना अच्छा होता। ठीक है, तो क्या मैं करूँगा,
पहला नंबर कॉलम ये, दूसरा नंबर कॉलम ये हो जाएगा, नाम दूसरा में आ जाएगा, यहां लिख दूंगा टू, ठीक है। फिर कॉमा दूंगा, अब ये बोल रहा है अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच, मैं किया नीचे और मार दिया टैप, कर दिया एंटर। ये क्या मजाक है, ऐसा मजाक तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसका, ठीक। चलो ये मजाक कर रहा है, इसको मैं दे देता हूँ रोल नंबर वन, एंटर दबा दिया तो ये अब मजाक करना बंद कर दिया, ठीक है। फिर आ गया अमित, ठीक आ गया जी। यहाँ पे अब मैं टू लिखूंगा, एंटर मारूंगा तो सुमित आ जाएगा, थ्री लिख के एंटर मारूंगा तो जो होगा सो आ जाएगा, दस लिख के एंटर करूंगा तो ऐसा आ जाएगा। ये ऐसा आ जा रहा है, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं आना चाहिए, तब क्या आना चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि नॉट फाउंड जैसा कुछ आ जाता, ठीक है। बोल देता नॉट फाउंड, नहीं है डेटा, ठीक है, रोल नंबर गलत बता रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरह का आ जाता, ठीक। उसको हम करेंगे थोड़े देर में, ठीक है। तो अब फिर से मैं आप क्लास में आऊंगा, मैं क्या चाहता हूँ कि क्लास भी आ जाए, तो फिर मैं वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा, इक्वल टू का साइन दूंगा, वी लुकअप लिखूंगा, टैब मारूंगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, दे दिया टेबल एरे, ठीक, टेबल एरे मैंने दे दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि कॉमा दूंगा, ठीक है। अब बोल रहा है नहीं नहीं मैंने गलत दे दिया, पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है, जब कभी लुकअप वैल्यू मांग रहा है, मैंने लुकअप वैल्यू को सीरियल नंबर असाइन कर दिया, फिर कॉमा करता हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है टेबल एरे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और पता नहीं क्या दबा दिया, मुझे भी पता नहीं चला जी, यहाँ पे आ करके पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लूँ, चुप रहा फालतू की ये बोल रहा है, ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, कॉमा कर दूंगा। फिर बोल रहा है इंडेक्स नंबर, अब मुझे क्लास चाहिए तो मैं इस इंडेक्स का नंबर क्या है, पहला दूसरा तीसरा, मैं दे दूंगा यहाँ पे थ्री, कॉमा, फिर एक अप्रोक्सीमेट को हटा के एग्जैक्ट मैट करके कर दिया एंटर, यहाँ पे आ गया डीसीए। ठीक उसी तरह से यहाँ पे पिन कोड मैं ले लाऊंगा, पता नहीं मैं बार बार क्यों इक्वल टू का साइन बगैर लगाए मैं लिख रहा हूँ, शायद दिमाग खराब हो गया है। फिर से मैं इसी को सेलेक्ट करूंगा, फिर कॉमा किया, टेबल एरे दे दूंगा ऐसे, ठीक है। और इसके बाद क्या बोल रहा है ये कॉलम, दिमाग खराब है, लाइटमैन भी मजाक कर रहा है आज, मजा नहीं आया मेरे को, ठीक है। सीरियल नंबर पहला, नेम दूसरा, क्लास तीसरा, पिन कोड चौथा, यहाँ पे दे दिया चार, एक किया और फाल्स करके एंटर मार दिया, देख लो आ गया। अब आपको नहीं दिखेगा तो हम क्या करें जी, इतना ही पर से मैं रोकता हूं इसे, बाकी का थोड़ी देर में पढ़ेंगे। चलिए जी, क्लियर सबको दिखाई दे रहा है, प्रोजेक्टर थोड़ा तिरछा फोकस कर रहा है, क्या करें अब हम, थोड़ा समस्या हो गया है, ठीक है। तो ए वाला तो सबको क्लियर होगा, यहाँ पे डालूंगा मैं फोर तो आ जाएगा फोर का, ठीक है, तो ये तो क्लियर है ना। एक समस्या है यहाँ पे, जैसे छह डाल दूं तो मजा नहीं आया, ये कुछ मजाक कर लिया, ठीक है, यहाँ पे है नहीं इसलिए, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे डालता हूं मैं छह, ठीक, यहाँ पे लिखा छह, ध्यान से देखिए छह लिखा, टैब मारा ए सी एम एन टी, फिर कर देता हूँ डी सी ए, फिर कर देता हूँ एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक। अब मैं यहाँ पे सिक्स लिखा हूँ, सिक्स फिर से लिख के एंटर कर दिया, फिर भी बोल रहा है ये कि हमारे कवरेज क्षेत्र से बाहर का बात है, हम नहीं कर सकते ये काम, ठीक है। अब एक्सेल में क्या है कि आप दिन प्रतिदिन तो डेटा ऐड करते ही जाओगे ना, डेटा दिन प्रतिदिन तो ऐड करते ही जाओगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ टेक्निक होता कि हम एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पे और दिन प्रतिदिन कितना डेटा ऐड करें और फिर अपने आप हमारा काम करता रहे, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जरा आप लोग बताइए, इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए बताओ, रिफ्रेश करना चाहिए,
कंप्यूटर का F5 बटन समझ रखा है क्या कि माई कंप्यूटर ओपन किया F5 8-10 बार दबा दिया और रिफ्रेश हो गया। ठीक है, रिफ्रेश कर देना चाहिए हम लोग को। ठीक है, इधर कहीं दिख रहा है रिफ्रेश, चलो रिफ्रेश आल कर देता हूं मैं। ठीक है, यहां पे आया रिफ्रेश आल। ठीक है, फिर से यहां 6 लेके इंटर मारा लेकिन कुछ रिफ्रेश ही नहीं हुआ। बताइए क्या करना चाहिए आप लोगों का। शायद याददाश्त मेरे से भी ज्यादा कमजोर है। कंट्रोल टी दबाऊंगा, इंसर्ट हो जाएगा, ये टेबल में बन के रेडी हो जाएगा। ठीक ठीक है, 6 लिख के अब यहां पे मारूंगा एंटर तो कुछ नहीं हुआ। ठीक, क्यों नहीं हो रहा है जी, क्या समस्या है इसको? हाँ, टेबल मैंने बाद में कन्वर्ट किया है और ये टेबल में है, इस फॉर्मूले को मालूम नहीं है ये बात। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये सारे फॉर्मूले को मैं फिर से लिखूंगा। क्या करूंगा, मजबूरी है लिखना। चलिए जी, यहां पे आया वी लुकअप में, इन सारे को कर दिया मैं ऐसे, फिर ब्रैकेट किया। ठीक है, बोल रहा है वैल्यू, वैल्यू जी यहां से उठा लिया करना, कॉमा दे दूंगा मैं। ठीक है, टेबल मांग रहा है, ये टेबल को मैं ऐसे कर दूंगा, ये देखिए टेबल है, जाल आ गया, कॉमा, बोल रहा है इंडेक्स नंबर जी, मैं इंडेक्स नंबर दे दूंगा 2। ठीक है, कॉमा, फॉल्स, ब्रैकेट बंद, एंटर, आ गया। ठीक है, कितना अच्छा होता ना इसको पकड़ के ऐसे ही खींच देता मैं, कितना बढ़िया होता आ जाता। ठीक, अच्छा होता। चलिए जी, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, क्या सलूशन हो सकता है जी? टेबल का कॉलम दे दू यहां पे। चलिए, आप कह रहे हैं मैं दे देता हूं जी, ठीक है, लेकिन अगर नहीं होगा तो हमको मत कहना, हो जाएगा तो हमको कहना। ठीक ठीक ना, अगर हो जाएगा तो हमको कहना, नहीं होगा तो हमको मत कहना। सर, अब देख लो नहीं हुआ। बाहर कौन बाहर है? रुको यार, ऊपर से मिल लेते हैं हम फिर। बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए। बैठिए, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। कर लीजिए, रिज्यूम कर देता हूं मैं। तो यहां इतना सारा एरर आ गया जी, दिमाग खराब हो गया एरर देख के, मैं डिलीट कर देता हूं। इतना एरर मैं पढ़ूं, मेरे में इतना क्षमता नहीं है। ठीक है, लगाता हूं मैं फिर से फॉर्मूला। ठीक है, वी लुकअप टैब दबाया। ठीक है, लुकअप यहां से उठा लेगा, कॉमा कर दूंगा। ठीक है, टेबल एरे, टेबल एरे में मैं पूरा एरे दे दूंगा जी। ठीक है, कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है, इंडेक्स नंबर, मेरे को नेम चाहिए ना अभी, तो नेम में क्या दे दूंगा, पहला दूसरा, तो यहां पे 2 दे दूंगा, कॉमा करूंगा और फॉल्स कर दूंगा, आ गया। ठीक, अब जैसे मैं इसको टेबल में बना दिया, ठीक है जी, टेबल में अब बनाया मैं, तो अब इसके बाद क्या होगा, 6 के जगह पे मैं 7 लिख दूंगा। ठीक है, यहां पे भी कुछ मैं नाम लिख दूंगा, नाम कुछ बताइए आप लोग, नहीं बताना, कुछ भी लिख दूं, चलो जी कुछ भी का मतलब कुछ भी लिख देता हूं, नहीं कुछ भी लिख दूंगा तो ये सेंस थोड़ा नहीं रहेगा, चलो जयसवाल लिख देता हूं। स्पेलिंग सही है जी, PGDCA। ठीक, ये देख लीजिए, डाल दिया मैंने, 7 लिख के एंटर किया, अपने आप आ गया जी। तो ये अब डायनामिक अपडेट होगा, पहले नहीं हो रहा था, पहले क्यों नहीं हो रहा था,
पहले हमने टेबल नहीं बनाया था, ठीक। अब इसी चीज को मैं क्या करूंगा ना, यहां पे मैं आऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट होम दबाया, कॉपी कर लिया, एंटर, इसी फॉर्मूले को यहां पे मैं पेस्ट कर दूंगा और यहां पे क्या कर दूंगा, दो के जगह पे तीन करके एंटर कर दूंगा, ठीक है। इसी को यहां पे आऊंगा, ठीक है, चार कर दूंगा, आ गया, ठीक। अब यहां आप डालो रोल नंबर और अपने आप यहां पे अपडेट हो जाएगा, ठीक, हो गया अपडेट। यहां पे एट डाल के एंटर मारता हूं, ठीक है। ये क्या मजाक है जी, नहीं ले रहा है जी, क्यों, क्योंकि आखिरी में जो है जयसवाल ही है, ठीक है। अब बहुत अच्छा होता कि इसको एक बार पकड़ता और पकड़ के खींच लेता जो है, ठीक है, और आ जाता, ठीक, बहुत अच्छा होता ना। वैसे ही कर लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। तो उसके लिए हमको कुछ फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जी, इसको मैं फिर से डिलीट कर दे रहा हूं अब, ठीक है। सुमित में मैं आया, डबल क्लिक किया, होता क्या है कि हमें यहां पे इंडेक्स ही बदलना पड़ता है ना, बाकी फॉर्मूला तो रिपीट होता है, राइट, मैं सही तो कह रहा हूं ना, शायद सही नहीं बोल रहा था मैं। अब लाइट आ जाने दीजिए, फिर बाकी को बाकी बाद में देखते हैं जी, थोड़े देर और वेट कर लेते हैं, फिर से कट गया। तो हमें क्या करना है कि ये वाला जो दो नंबर इंडेक्स है ना, अगर ये दो तीन चार पांच छह सात अगर अपने आप हो, ठीक है, तब तो हम पकड़ के खींच लेंगे तो बन जाएगा जी काम, ठीक है। इसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ टेक्निक लगाना चाहिए, कुछ जुगाड़ लगाना चाहिए, ठीक है। क्या जुगाड़ लगाएंगे, मैं आपको पहले बताया था एक तो फंक्शन, जो फंक्शन का नाम है कॉलम, ठीक है। कॉलम फंक्शन क्या करता है, कॉलम बताता है, ठीक है, कॉलम्स, ठीक, बोल रहा है कॉलम का एरे दे दो, मैंने सिलेक्ट किया इतना और दे दिया, ठीक है। ये बोल रहा है चार ठो कॉलम है, ठीक है, इसको पकड़ के खींच लेंगे तो चार ही होगा अभी, ठीक है। तो ऐसा क्या कर दें हम कि ये चार पांच छह सात हो जाए, फिर कुछ जुगाड़ लगाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा ऐसे, ठीक, दो ठो सिलेक्ट कर लिया मैं, ठीक है। मैं करूंगा ऐसा कि जो पहला ए3 है इसको मैं फिक्स कर देता हूं, लॉक कर देता हूं, ठीक, कि मैं जब पकड़ के खींचूं तो क्या हो कि ए3 जो हो वो कभी चेंज ना हो, मतलब ये वाला जो एड्रेस है ना ये कभी चेंज ना हो, चेंज कौन सा हो, b3, आगे खींचूं तो c3 हो जाए या फिर अगला आ जाए, ठीक है। तो वैसा मैं करूंगा, एंटर कर देता हूं अब, ठीक। तो यहां से लेकर के यहां तक दो ही कॉलम है ना, तो दो कॉलम दिखा रहा है यहां पे। अब इसको मैं पकड़ के खींच लेता हूं, ये तो कितना बढ़िया हो गया, ठीक, यहां पे आ गया, ठीक है। आप फॉर्मूला बार में देखिएगा यहां पे, ठीक, अभी क्या है, b3 है, यहां पे आ जाऊंगा तो c3 हो गया, यहां पे आ गया तो d3 हो गया, और आगे पकड़ के खींचूंगा मैं तो और हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम काम करें तब तो जुगाड़ बन जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से कर लेते हैं जी हम लोग, चलिए इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से, ठीक है। शिफ्ट दबाया, होम दबाया, सिलेक्ट हो गया, फिर लेफ्ट एरो दबा के कट कर लिया इसको, ठीक। अब मैं आऊंगा यहां पे, अब इसको मैं कहां पेस्ट करूंगा, ये टू के जगह पे, टू के जगह पे आया और कर दिया, वी कर दिया मैं एंटर, ठीक। अभी आ रहा है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए कि ये वाला जो है ना इसको मैं डिलीट करता हूं, ये एड्रेस मैं सिलेक्ट करूंगा कॉलम, ये लीजिए, ठीक, ऐसा ऐसा अगर मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, कर देता हूं अब एंटर, लेकिन एंटर करने से पहले ये वाला ना लेकर के मैं ऊपर वाला लेता हूं, ऊपर वाला ज्यादा रीडेबल होगा आपके लिए, ठीक है। इस यहां पे आया, इसको मैं कर दिया फिक्स, ठीक, एंटर दबा दूं, अब दबा दूं एंटर, ना दबाऊं, पक्का, चलिए जी आ गया। अब इसको पकड़ के खींच लूं, पकड़ के खींच लिया जी, जा रहे हो,
बहुत समस्याएं हैं, फिर से लाइट आ जाए तो देखते हैं जी। जैसे ही मैं पकड़ के खींचा इसको, ये हैज वैल्यू दे रहा है, ठीक। हैज वैल्यू का क्या मतलब है, मैं आप लोगों को बताया था, वैल्यू करेक्ट नहीं, ठीक है। अबे हमारे साथ इस तरह का मजाक कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका कारण जानते हैं हम लोग, ठीक है। डिलीट करता हूं मैं इसको, फिर से यहां पे डबल क्लिक करता हूं, ठीक है। टेबल में दे ही चुका हूं, कॉलम मैंने प्रॉपर दे दिया है, ठीक है। यहां पे जो होगा, यहां पे ट्रू और फॉल्स होगा, ठीक है। मैं यहां पे दे देता हूं फॉल्स, ठीक। अब खींचा पकड़ के, क्या अब आएगा ठीक ठाक? नहीं आया। क्यों नहीं आया? फिर से मैं इस डेटा को डिलीट करता हूं और फिर से मैं यहां पे जाता हूं। अब सारा डेटा तो सही सलामत है, एक ठो डेटा हम लोग नहीं फिक्स किए हैं। ये जो A2 जो है ना, ये वाला हमने फिक्स नहीं किया है। फिक्स नहीं किया तो इससे क्या हो रहा है, पहला वाला तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही पकड़ के यहां ला रहा हूं मैं, ठीक है, तो यहां जैसे ही ला रहा हूं तो ये सेल एड्रेस बदल जा रहा है, ठीक। बल्कि ये सेल एड्रेस तो बदलना नहीं चाहिए ना, क्योंकि हम जब भी सर्च करेंगे तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। मतलब ये सेल नंबर बदलना नहीं चाहिए, तो इसको नहीं बदलना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, हमें प्रेस कर देना चाहिए F4, लॉक कर दिया, एंटर मारा। अब इसको मैं पकड़ के खींच लेता हूं जी, आ गया अपने आप, ठीक है। अब आप यहां पे जो है सर्च कर सकते हैं, प्रॉपर काम करेगा। हाँ फिर से बता दूं, कोई एक फॉर्मूला या टोटल पकड़ के खींच के बता दूं? टोटल, चलिए जी डिलीट कर दिया, ठीक। सबसे पहले इक्वल टू का साइन, वी लुकअप टैब दबाया मैं, ठीक है। ये बोल रहा है लुकअप वैल्यू बताओ, मतलब ये कि वो वैल्यू मुझे बता दो जिसके अकॉर्डिंग, जिसके आधार पे मुझे खोजना है डेटा। मैंने कह दिया कि A ले लो, ठीक। मैं इसको F4 दबा के लॉक कर दिया, ठीक, ताकि मैं खींच सकूं पकड़ के, ठीक है। कॉमा दबाया, ठीक है। फिर बोल रहा है टेबल एरे बता दो मुझे, टेबल एरे बता दिया मैं पूरा टेबल सिलेक्ट करके, ठीक है। फिर कॉमा दिया, ये बोल रहा है कॉलम इंडेक्स, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता था, 1, 2, 3, 4 मैनुअली दे देता था, ठीक है। लेकिन मैं अब क्या करूंगा, मैनुअली ना देखे कॉलम फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। कॉलम फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया जी, मैं बोल रहा है एरे दे दो मुझे, मैं इन दो कॉलम को सिर्फ सिलेक्ट करूंगा, ठीक, और पहले को कर दूंगा लॉक, ठीक। पहले का लॉक कर दूंगा, तो जब जैसे ही पकड़ के खींचूंगा ना, तो कॉलम का जो पहला रो होगा, पहला कॉलम, वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन दूसरा कॉलम बदलता जाएगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये बदलेगा, B1 है तो फिर C1 हो जाएगा, D1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, राइट। ब्रैकेट बंद कर दिया मैं, ठीक। इसके बाद क्या करूंगा, फिर से कॉमा दूंगा। ये पूछ रहा है अप्रोक्सीमेटली मैच या फिर एग्जैक्ट, मैं बोल दिया जी एग्जैक्ट मैच करो, जो मैं नंबर दूं वही दो, ठीक। अब ब्रैकेट बंद करके कर दिया एंटर, आ गया। अब इसी को मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, अच्छा पूरा इससे हो गया, चलिए कंट्रोल डी दबा दिया सिलेक्ट करके, नो, इससे तो फिल डाउन हो जाता है, फिल राइट करना है हमें, ठीक है। कंट्रोल आर कर दिया तो फिर फिल राइट हो गया है अपने आप, ठीक। कोई समस्या है, किसी को डाउट है, कुछ दिक्कत है तो पूछिए, ठीक, अन्यथा हम लोग आगे चले। कोई दिक्कत समस्या किसी को, पीछे आप लोग को दिखाई दे रहा है, पक्का दिखाई दे रहा है ना, चलिए जब दिखाई दे रहे तो बड़ी खुशी का बात है। तो ऐसा जो जिसको समझ में ना आया हो बताइए, पीछे समझ में आ गया सबको, नहीं आया, आ गया समझ में, नहीं आया, कौन सा नहीं आया, लुकअप वाला, लुकअप में कौन सा, ये जो कॉलम फंक्शन में लगाया हूं ये वाला नहीं समझ में आया, कौन सा लाइन इसमें, या फिर कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, या फिर कोई एक शब्द नहीं समझ में आया, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है जी सर। आसान काम तो सब लोग को कोई कर लेता है, कॉम्प्लेक्स वाला करना चाहिए, मोदी जी ने बताया आपको, समझ में नहीं आया आपको,
मोदी जी कितना बढ़िया भाषण में बता रहे थे पहले कठिन सवालों का उत्तर देना चाहिए, ठीक है, इसीलिए पहले कॉम्प्लेक्स काम को करो, सच में मत करना भाई, नहीं परीक्षा समय दिक्कत हो जाएगा। देखिए सबसे पहला में मैं क्या दिया हूं, ये वाला, ठीक, इसका मतलब यह है कि मैं इसको, इस सेल को सिलेक्ट किया, ठीक। दूसरे नंबर पे टेबल वन हैज आल है, इसका मतलब यह है कि ये टेबल के रूप में बना है, इसका नाम है ये, ठीक, टेबल एरे दिया। दूसरा में ये कॉलम है, ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है, मैं यहां से कंट्रोल सी करता हूं और मैं यहां पे करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, इक्वल टू का साइन दिया, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, ठीक, एंटर किया, यहां पे डिलीट दबाया, इसको लेता हूं, एंटर मारता हूं, ठीक, और यहां से इसी को मैं करूंगा पकड़ के खींच लूंगा ऐसे, तो दो फिर तीन फिर चार हो गया ना, तो मुझे यहां पे डायनामिकली इंडेक्स ही लाना था ना इस जगह पे। यहां पे मैं क्या करता था, पहले दो लिखता था, फिर तीन लिखता था, फिर चार लिखता था, यही लिखता था ना, तो यही कॉलम फंक्शन के थ्रू मैं किया हूं, जैसे ही पकड़ के मैं खींच रहा हूं तो तीन चार आ जा रहा है अपने आप, ठीक, यही काम जो है कॉलम फंक्शन डायनामिक कर रहा है, ठीक है। पहले मैं क्या करता था, सीधा वी लुकअप लगाता था, ऐसे इक्वल टू का साइन दिया, वी लुकअप, ऐसे वैल्यू ये ले लेता था, कॉमा, टेबल में पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लेता था, ये टेबल में नहीं था पहले, ठीक है, अब टेबल में है, सिलेक्ट करता था, फिर देता था कॉलम नंबर, ठीक, कॉलम नंबर मुझे क्या देना है, जैसे मान लो सीरियल नंबर एक, नेम दो, क्लास तीन, पिन कोड चार है, मुझे नेम चाहिए तो यहां पे दो दे दूंगा, ठीक है, अब बोल रहा है ट्रू या फॉल्स, मैंने फॉल्स करके एंटर कर दिया, आ गया, ठीक है, अब यहां पे पांच कर दूंगा तो यहां पे भी देखिए बदल गया ना, तो इसमें तो आसान है ना, इसमें सब कुछ आसान लग रहा है, तो इसी को मैं पहले बार बार यहां पे भी लिखता था, क्लास वाले में भी लिखता था, यहां पे भी लिखता था, तीन बार मैंने वी लुकअप लिखता था पहले। अब कॉलम फंक्शन जब मैंने इसमें इस्तेमाल किया तो क्या किया कि कॉलम फंक्शन में डायनामिक आ जा रहा है, दो इंडेक्स, तीन इंडेक्स, चार इंडेक्स आ जा रहा है ना, यही कर रहा हूं मैं। आप सबसे पहले क्या करिएगा, नॉर्मल वी लुकअप चलाइएगा, ठीक है, बगैर कॉलम के, खुद से लिखिएगा कॉलम एक दो तीन, ठीक है, फिर जब कर लेंगे इसका प्रैक्टिस तो फिर कॉलम के साथ करिएगा, ठीक है, कॉलम फंक्शन को आप बाद में करिएगा, पहले यहां पे आप खुद से लिखिएगा दो या तीन, ठीक है, या तीसरा इंडेक्स या चौथा इंडेक्स, ठीक है, ठीक ना, तो आपसे भी बन जाएगा, बड़ा आसान काम है, ठीक है, समझ में आया अभी कि नहीं आया, सच में आया कि ऐसे ही कह दे रहे हो कि आ गया, सच में आ गया ना, चलिए जी डिलीट कर देता हूं फिर इसको। आप चाहें अगर तो इसको डिफरेंट सीट या डिफरेंट वर्कबुक के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं, ठीक, करके दिखाऊं या करेंगे आप लोग, करके दिखा दूं, मैं लाइट से परेशान हो गया, चलिए कंट्रोल एस दबा के मैं सेव कर लेता हूं और इसको थोड़ा पॉज करता हूं जब तक लाइट ना आ जाए, आगे चलें। लेकिन मैं था कहां मेरे को याद नहीं है, कोई बताएगा, हाँ डिफरेंट सीट में था मैं, ठीक है, कंट्रोल दबा के कंट्रोल एक्स करता हूं मैं, ठीक है, कंट्रोल दबा के कंट्रोल एक्स किया, मैं कहना ये चाह रहा था आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए ये डेटा इस सीट में ना होकर के इस सीट में है, ठीक, एंटर दबाया तो अपने आप पेस्ट हो गया, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है, इसको मैंने ऐसा सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और राइट क्लिक करके यहां पे पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट एज अ वैल्यू में करूंगा पेस्ट इसको, ठीक है, मैं हटाना चाह रहा हूं इसको, ठीक है, क्लियर में जाऊंगा और फॉर्मेट्स, डिलीट टेबल रो, ठीक है, पार हो गया, पूरा पार हो गया, नो प्रॉब्लम जी, यहाँ पे एस ए नो था, ठीक है, इसका फॉर्मेट में मुझे इसमें चाहिए, मैं क्या करूंगा इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, और क्लिक कर दिया इसमें, ऐसे आप फॉर्मेट ले लाया करोगे, ठीक, आसान काम है, आप ले लाओगे,
हाँ आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वगुण संपन्न है। यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दूंगा, पूरा सेलेक्ट जहाँ तक था वहाँ तक हो गया, क्लिक करके ले लाया मैंने ये। ठीक, अब डेटा जो है वो यहाँ है, ठीक है, ये सारा जो है वैल्यू इनवैलिड हो गया। अब मैं डिलीट करता हूँ, फिर से बनाता हूँ वी लुकअप। ठीक है, डेटा इस सीट में है और फिर इस सीट में मुझे चाहिए लाके दिखाना है। ठीक, तो आप यहां पे डेटा रखोगे और यहां का डेटा कट करके यहां पे पेस्ट करोगे। तो मैं बताया था आपको कि फॉर्मूला अपने आप अपडेट हो जाता है, आपको अपडेट करने का जरूरत नहीं, याद है आपको? ठीक है, आप लोग ज्ञानी लोग हैं, याददाश्त आप लोग का तेज है, आप लोग को याद रहता है, मैं भूल जाता हूं, इसलिए मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूं। अब वी लुकअप करूंगा। ठीक, लुकअप कहां से करना है? इस वैल्यू से लुकअप करना है जी। ठीक, कॉमा, मेरे को इस सीट में जाना है, या तो मैं माउस से क्लिक करूंगा या तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन करूंगा। इसमें पहुंच गया, बोल रहा है क्या टेबल एरे दो, टेबल एरे मैंने दे दिया, फिर यहां पे आया, दबाया ऐसे, ठीक है, कॉमा दिया, बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे नाम चाहिए, मैं नाम वाला इंडेक्स को दो दे दूंगा और कर दूंगा कॉमा और कर दूंगा एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद, इंटर। आ गया जी, तो इसी तरह से आप ले लाओगे। ठीक, नो, यहां पे मैं दो के जगह पे कर दूंगा तीन। ठीक है, यहां पे भी दो के जगह पे कर दूंगा चार। ठीक, ये देख लीजिए, अब यहां पे डालूंगा दो, एंटर करूंगा, डेटा चेंज हो गया। दो में क्या सच में सुमित है? हाँ जी, सच में सुमित ही है। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट सीट पे आप कैसे काम करोगे? इस तरह से कर लोगे, बड़ा आसान काम है। ठीक, आसानी से हो जाएगा, आसान काम है, हो जाएगा ना? चलिए जी, आसान काम है तो हो जाएगा, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके बाद मान लो कि ये कहां पे है, डिफरेंट वर्कबुक में है। ठीक, मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूं, न्यू पे क्लिक करता हूं, ठीक है, ब्लैंक बना लेता हूं। ठीक है, यहां पे एंटर मारा मैं, कंट्रोल एस किया, डेस्कटॉप पे, ठीक है, डेटा, एंटर। ठीक, मैं सारा बंद कर दूंगा अब। ठीक, ये वाला जो मेरा डेटा है बंद कर दिया मैं इसको, ये वाला सीट था, सीट ये वाला खुला है, ये देखिए अभी डेटा ऐसा ही आ रहा है, ये फॉर्मूला जो है अपडेट हो चुका है, ये देख लीजिए आप। ठीक, मैंने इसको भी बंद कर दिया, सेव करने के लिए बोल रहा है, हाँ जी सेव कर दो, क्लोज। ठीक, रिफ्रेश मार दिया मैं। ठीक, फिर से मैं इसको खोला, ये देखिए फॉर्मूला आप ले आप यहाँ पे हो रहा है। ठीक, तीन करूंगा, एंटर मारूंगा, ये देखिए आ गया, ऑटोमेटिकली अपडेट ऑफ लिंक्स हैज बीन डिसेबल्ड, ऑप्शन करेंगे यहाँ पे, इनेबल कर दूंगा तो ये लो, अब अपने आप जो है अपडेट होता चल जाएगा ये। ठीक है, आ रहा है ना? ये डेटा जो है कहाँ पे है? इस वाले वर्कबुक में। ठीक, ये देख लीजिए, है ना, दो ठो यहां से ओपन है, ये देखिए वर्कबुक और डेटा, तो इस तरह से आप इसमें काम करोगे। ठीक, स्विच करके आप यहां से भी जा सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस टैब मारेंगे तो ये देखिए बदल रहा है वर्कबुक और डेटा एक्सेल फाइल, ऐसे आप कर लोगे। मैंने कट किया और पेस्ट कर दिया तो फॉर्मूला जो है अपने आप जो है अपडेट हो गया है। ठीक, लेकिन आपने मान लो किसी भी कारणवश कट नहीं किया है, ठीक, बनाया ही है अपने आपने दूसरे वर्कबुक में डेटा, तो कैसे आएगा? बड़ा आसान काम है, आपके सामने मैं ला के दिखा दे रहा हूं। ठीक, चलिए यहां पे आता हूं मैं, इक्वल टू का साइन दूंगा, वी लुकअप करूंगा। ठीक है, एंटर, लुकअप वैल्यू यहां से उठा लो जी, फिर बोल रहा है टेबल एरे। ठीक, मेरा यहां पे ओपन है, आप चाहो तो यहां पे क्लिक करके चले जाओ इसमें, ठीक, और सिलेक्ट कर लो ऐसे। ठीक, और फिर यहां पे क्या करो, कॉमा दे दो आप। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इंडेक्स नंबर, मुझे नेम चाहिए ना, तो नेम दूसरे इंडेक्स में है ना, तो यहाँ पे दो लिख के कॉमा दे के फॉल्स करके करूंगा ये, और फिर कर दूंगा एंटर, आ गया। ठीक, यहां पे फिर से फॉर्मूला लगा लूंगा मैं। ठीक है,
वी लुकअप, ठीक है। फिर बोल रहा है लुकअप वैल्यू यहां से ले लूंगा मैं, कॉमा, कंट्रोल टैब दबाऊंगा, ये टेबल ओपन हो जाएगा मेरा, टेबल एरे दे दूंगा ऐसे, ठीक है, कॉमा दूंगा, इंडेक्स बोल रहा है 3 दे दिया मैं, कॉमा, ले लीजिए, आ गया। तो इसी तरह से आप ले लाओगे डिफरेंट वर्कबुक पे, ठीक। ऐसे किया, टेबल एरे देना है, मैंने ऐसे ले लाया यहाँ पे, कॉमा 4 कॉमा एंटर, आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 इंटर करूंगा तो भी आ जाएगा ये, ठीक है। अब मैं इस बुक को चाहूँ ना तो कैंसिल कर दूंगा, ये देखिए ओपन था, यहाँ से बंद कर दिया मैं, ठीक है। ए वाला जो है बंद हो चुका, ए वाला जो है ना एक्सेल फाइल, ये बंद हो चुका है, लेकिन इस एक्सेल फाइल में डेटा है, मैं ला रहा हूँ इसमें, ठीक। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर लोगे, बड़ा आसान काम है जी, हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा जो है अपडेट हो चुका है, ये लिंक्ड है आपस में टोटल, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया, समझ में आ गया या फिर नहीं आया? नहीं आया, आ गया, फिर से बताने का जरूरत है या नहीं है? है नहीं है, है। चलो फिर से मैं डिलीट करता हूं ये जो 3 ठो लाया था, ठीक है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं या फिर क्या समस्या है। खैर छोड़िए, इक्वल टू का वी लुकअप टैब मारा, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, मैंने ये वैल्यू यहां से उठाया, कॉमा, ठीक है, कंट्रोल टैब दबाया, आ गया मैं दूसरे वर्कबुक में, ये मांग रहा है टेबल एरे, टेबल एरे मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है। फिर यहां पे आया, कॉमा दिया, ठीक है। फिर बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, इंडेक्स आपको गिनना कैसे है, ये पूरा टेबल है, ठीक है। सीरियल नंबर माने पहला इंडेक्स, नेम मतलब दूसरा इंडेक्स, क्लास मतलब तीसरा इंडेक्स, पिन कोड मतलब चौथा इंडेक्स। मुझे नेम चाहिए तो नेम वाला को किस इंडेक्स पे आएगा, 2 इंडेक्स पे, यहाँ पे लिखूंगा मैं 2, कॉमा दूंगा, फिर कर दूंगा एग्जैक्ट मैच ऐसे, ठीक, करके कर दिया एंटर, आ गया, ठीक है। वही फॉर्मूला यहाँ पे भी रिपीट कर दूंगा मैं, फिर से पकड़ के खींच खाच दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आऊंगा, कॉमा, ठीक है, टेबल एरे मांग रहा है, ठीक है। मैं यहां से भी जा सकता हूं, पहला बार मैं कंट्रोल टैब दबा के गया था, आपकी बार यहां से आता हूं मैं, ठीक है, ऐसे ले लिया टेबल एरे, टेबल एरे मांग रहा था ये, फिर यहां पे आऊंगा, कॉमा दूंगा, इंडेक्स नंबर, अब मुझे क्लास वाला चाहिए, ठीक है, तो क्लास वाला 3rd नंबर पे है तो ऐसे करूंगा, फिर टैब सेलेक्ट करके टैब किया, फिर एंटर करूंगा तो आ गया क्लास भी, ठीक है। इक्वल टू का साइन वी लुकअप, ठीक है, मुझे यही वैल्यू चाहिए, ठीक है, कॉमा, टेबल एरे, ठीक है, टेबल एरे में मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है, फिर दे दूंगा, यहाँ पे आऊंगा, कर दूंगा कॉमा, कॉलम नंबर, मुझे अब पिन कोड लाना है, चौथा करूंगा, कॉमा, फॉल्स, एंटर, इस तरह से आ जाएगा जी। अब यहाँ पे आप लिखो, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं इतना, ये बहुत खराब मजाक कर लिया, मजा नहीं आया। अब इसका क्या करें जी हम लोग, आसान टेक्निक है, पहले आप मुझे ये बताओ कि इतना समझ में आया कि नहीं, पक्का सबको आ गया, सच में आ गया, ठीक है। एक ठो फॉर्मूला है इक्वल टू का साइन इफ एरर, ठीक, इसका मतलब ये है कि पहला वैल्यू क्या लेता है, कुछ भी डेटा, ठीक, तो यहां पे डेटा आता है एरर वाला, अगर यहां पे कुछ एरर आता है तो क्या करो, ठीक। चलिए मैं इसको बैक करता हूं, यहां पे ही सीधा करके दिखा रहा हूं मैं, वी लुकअप को ले लिया मैं बाहर, ठीक, इफ एरर ब्रैकेट बंद, अगर इफ एरर, ठीक है, अगर ये वाला जो है, अगर ये एरर है तो क्या करो, ठीक, तो कॉमा दूंगा मैं, ठीक है, फिर डबल कोट लिख दूंगा, डेटा नॉट एफ ओ यू एन डी फाउंड,
राइट, ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक, यहां पे मैंने क्या किया, इफ एरर फंक्शन में पूरे वी लुकअप को रख लिया यहां तक, ठीक है, कि अगर, ठीक है, अगर वी लुकअप जो है एरर देता है, ठीक, तो क्या कह दो, बोल दो डेटा नॉट फाउंड, और एरर नहीं देता है तो इसी को चला दो। ठीक, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे इतना दे के एंटर मार देता हूं तो बोल दिया डेटा नॉट फाउंड। कितना बढ़िया है ना, सच में बढ़िया है। ठीक है जी, यहां पे मैं फिर से आता हूं फिर से इफ एरर किया, ठीक है, ब्रैकेट बंद, आऊंगा मैं आखिरी में, ठीक है, कॉमा दिया, ठीक है, अब यहां पे आया, लिख दूंगा डेटा नॉट FOUND, डेटा नॉट फाउंड। ठीक, ठीक है, स्कैप स्कैप डेटा N को कर देता हूं मैं कैपिटल। ठीक है जी, नेटा डेटा नॉट फाउंड, यहां पे आया, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर, यहां पे भी आ गया। अब फिर से यहां पे मैं आऊंगा, फिर से होम दबाया, आ गया आखिरी में, फिर आखिरी में नहीं जी, इधर लिखना पड़ेगा। ठीक, ये लिखा, फिर यहां पे आया, कॉमा दिया, डबल कोट, डेटा नॉट FOUND, ठीक, ऐसे ऐसे, एंटर। ठीक, हो गया। तो आप लोग भी ऐसा कर ही लोगे, बड़ा आसान काम है ये करना। ठीक है, फोर किया डेटा आ गया, वन किया डेटा आ गया, फाइव किया डेटा आ गया, कर दिया जीरो जीरो जीरो, एंटर, डेटा नॉट फाउंड, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया सेम सीट में कैसे काम करना है, डिफरेंट सीट में कैसे काम करना है, और डिफरेंट वर्कबुक में काम कैसे करना है, राइट। कोई समस्या है तो बोलिए, कोई समस्या है, नहीं है, नहीं है, है, आगे चलें। कुछ पूछना है किसी को, मैं इसको तब तक